नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर में आपका स्वागत है। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं 12x40 का हाउस प्लान। इसका स्क्वायर फीट एरिया है 480 स्क्वायर फीट। इसमें हम 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन बनाने जा रहे हैं। तो आइए किस तरह से है उसके भी एक बार जान लेते हैं। 12 फुट इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और 40 फुट इसकी गहराई है। ठीक है, 12 फुट चौड़ाई है और 40 फुट इसकी गहराई है। ये एक्चुअली में ये कॉर्नर प्लॉट पर है, ठीक है। इसमें फ्रंट साइड में रोड है और लेफ्ट साइड में रोड है आपकी। देखिए, ये 20 फुट की रोड फ्रंट है और 20 फुट की रोड में साइड में है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में ही हमने पोर्च दिया हुआ है। पोर्च में आप देख पा रहे हैं स्टेयर हमने दे रखी है। स्टेयर है, इसमें चढ़ने का कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने 2 व्हीलर पार्किंग की हुई है, ठीक है। दो 2 व्हीलर पार्क आप कर सकते हैं, एक ये और एक ये। इसकी जो जीने की जो चौड़ाई है वो हमने जो है 2.5 फुट रखी है, और जो इसका जो उठान है वो 7 इंची है, और जो पैर रखने का स्थान है वो 10 इंची है। जो मेन गेट है उसका साइज हमने 6x7 रखा है। 6 इंच की चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई रहेगी। पोर्च से हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हम जो है टॉयलेट पोर्शन में पहुँचते हैं। तो टॉयलेट पोर्शन में जाते हैं तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमने जो है यहाँ एक आर्च दिया हुआ है, मतलब एक आप पर्दा डाल सकते हैं यहाँ पे। आप गेट लगाना चाहें तो गेट भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसमें आर्च का उपयोग किया हुआ है, जिसका साइज़ जो है 5x7 है। 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। और एक टॉयलेट है, टॉयलेट में मैंने जो है एक डोर दिया है, जिस डोर का साइज़ है 2.5x7। 2.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। इसमें मैंने एक वेंटिलेशन का उपयोग किया हुआ है, जिस तरह से आप ग्रीन कलर में 4 लाइनें देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन है, ठीक है। ये वेंटिलेशन है जो 2x1.5 का वेंटिलेशन रहेगा। और मैंने पूरे बाथरूम में जो है फ्लोर टाइल्स यूज़ की हुई है, ठीक है। उसके बाद हम और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, ये हमारा है एक, हमने बेडरूम दिया है, ठीक है, बेडरूम नंबर 1, ठीक है। ये इसमें बेडरूम नंबर 1 में जाने के लिए हमने आर्च दिया जो कि 3.5 फुट x7 का है। 3.5 फुट चौड़ा है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। ये जो आप जिग-जिग लाइन देख रहे हैं ये एक्चुअली कर्टन है, ठीक है। अगर किसी को सीधे अगर जाना है तो सीधे जा सकता है, और रूम में जाना है तो रूम में भी एंट्री ले सकता है। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग माँ बाप होते हैं तो उनके लिए हमने इस तरह का ये पोर्शन दिया है कि भाई आगे आने वाले जो कोई व्यक्ति उनसे मिलने आते हैं तो वो यहीं बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, लेटे लेटे भी बात कर सकते हैं। अपने बेड उनका डला हुआ है तो उसके हिसाब से वो बातें कर सकते हैं। इसमें हमने लेफ्ट मतलब साइड वाली रोड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट की है, और ऊँचाई अपने हिसाब से मेनटेन कर सकते हैं। टॉप लेवल जो है डोर का और विंडो का एक ही रहेगा, और नीचाई आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आर्च जो दिया है वो भी 3.5x7 का ही है। ये दोनों आर्च बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम डाइनिंग और किचन की तरफ। तो किचन हमारा जो है एल शेप में है, ठीक है, एल शेप में है, और हमने जो है इसमें ओपन किचन रखा है। बिल्कुल जो है हमने इसमें एक आर्च दिया हुआ है जो कि 4 फुट चौड़ा है और 7 फुट ऊंचा है, ठीक है। ये हमने छोटा सा इसमें डाइनिंग एरिया दे रखा है, ठीक है, मतलब सर्कुलेट एरिया भी बोल सकते हैं उसे, डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं। किचन का जो प्लेटफॉर्म वो एल शेप में है, प्लेटफॉर्म एल शेप में है, और बिल्कुल सामने हमने 3 फुट की विंडो आपको दे के रखी है, जिससे आपका वेंटिलेशन प्रॉपर रोड साइड हो सके, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे की साइड में। पीछे साइड में बेडरूम नंबर 2 है, ठीक है। जो बेडरूम नंबर 2 है उसका दरवाजे का साइज जो है वो है 3.5x7, और इसमें हमने जो है विंडो को प्रोवाइड कर रखी है जो कि 4 फुट की है, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये टोटल जो है प्लानिंग इस तरह से है। एक बेडरूम ये है, एक किचन है, एक बेडरूम ये है, एक टॉयलेट है, और एक पोर्च है। पोर्च में हम 2 2 व्हीलर हम आराम से पार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें फर्नीचर किस तरह से सेट करेंगे उसकी भी एक बार जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, ये इस तरह से हमने जो है इसमें फर्नीचर का शो किया हुआ है कि ये हमने 2 व्हीलर पार्क करके रखी है। उसके बाद हम आते हैं बेडरूम नंबर 1 में। बेडरूम नंबर 1 में हमने सिंगल बेड यूज़ किया हुआ है। सिंगल बेड में जो है बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक सामने जो है हमने एक बेड के बिल्कुल ठीक सामने जो है टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक विंडो दे रखी है, ठीक है। ये हमने जिग-जिग लाइन जो शो की है वो कर्टन के रूप में शो की है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमने डाइनिंग एरिया में एक वॉश बेसिन कॉर्नर में लगा रखा है, जैसे कोई खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो हाथ भी धोना चाहे तो धो सकता है, ठीक है। बेडरूम नंबर 2 में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बेडरूम नंबर 2 में हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है। उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है हमने एक टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके जो है राइट साइड में हमने जो है एक फर्नीचर का उपयोग किया हुआ है, ठीक है, बेडरूम हम बना सकते हैं। और उसके लेफ्ट साइड में हमने जो एक विंडो 4 फुट की विंडो का उपयोग किया हुआ है, ठीक है। अब उसके साइजेस किस तरह से हैं उसके साइज़ की भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। फाइनली जो हमारा प्लान है वो साइज़ के अकॉर्डिंग ही सेट होता है, ठीक है। आइए हम प्लानिंग की साइज़ भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है हमारा पोर्च एरिया। पोर्च एरिया जो है हमारा 11x7 का रहेगा। 11 फुट इसकी चौड़ाई है, 7 फुट इसकी गहराई दे रखी है हमने, ठीक है। जो इसमें आराम से 2 व्हीलर पार्क होने के बाद भी हमें काफ़ी स्पेस इतना मिलता है कि हम आराम से निकल के जा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद भी आप चाहें तो इसमें जो है हम टॉयलेट बना सकते हैं, इसमें आप जीने के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं, और टॉयलेट के साथ साथ फिर यहाँ पे हम जो है एज ए डाइनिंग ड्राइंग एरिया भी बना सकते हैं, सोफा ओवर डाल के भी हम यहाँ बैठ सकते हैं। परंतु मैंने इस तरह की प्लानिंग नहीं की, मैंने जो प्लानिंग की है वो उस तरह से मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो लॉबी का साइज़ है वो 6x7 है, 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी गहराई है, ठीक है। जो कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट का साइज 5x7 का है, 5 फुट इसकी चौड़ाई और 7 फुट इसकी गहराई मैंने इसमें दे रखी है, ठीक है। जो बेडरूम नंबर 1 है वो 11.25x9 का रहेगा, 11.25 इसकी टोटल चौड़ाई है, मतलब इस दीवाल से लेकर के इस दीवाल तक की जो चौड़ाई है वो 11.25 है, और इस दीवाल से लेकर इस दीवाल तक की जो लंबाई है वो 9 फुट है, पर 11.25x9 का ये बेडरूम है। और हम इसमें कर्टन डाल देंगे तो ये हमारा पैसेज जो है आराम से 3-3.5 फुट का हमारा पैसेज हमको आराम से मिल जाता है। कोई बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं या दादी हैं, तो आप उनको यहाँ पर भी अपना रेस्ट करा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा तो पहले उनसे मिलेगा, फिर आप घर के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया हमने 6x6 का रखा है, 6 फुट चौड़ा है और 6 फुट इसकी लंबाई दी हुई है। और जो किचन है हमारा 5x6 का दे रखा है, 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी गहराई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेडरूम नंबर 2। तो बेडरूम नंबर 2 जो है हमारा 11.25x9 का रहेगा, 11.25 इसकी चौड़ाई है और 9 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल प्लानिंग है 12x40 की, छोटी सी प्लानिंग है और छोटा सा एरिया है। इसमें भी हम बहुत अच्छी प्लानिंग हमने करके आपको दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छी और बहुत पसंद आएगी। तो एक बार रिव्यू हम एक बार देख लेते हैं। ये हमने पोर्च दिया हुआ है, ठीक है, जो कि जो है हमारा 11.25x7 का पोर्च है। ये हमने लॉबी दे रखी है, लॉबी हमारी जो है 6x7 की लॉबी है। कॉमन टॉयलेट हमारा 5x7 का। फिर हमारा जो है कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम जो है हमारा 11.25x9 का बेड कॉमन बेडरूम है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है 6x6 का, और ये हमारी किचन है जो कि एल साइज़ में है, एल साइज प्लेटफॉर्म हमने दे रखा है, वो 5x6 का किचन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये 11.25x9 का हमारा बेडरूम है। इस तरह से ओवरऑल प्लानिंग बहुत अच्छी देखने में लग रही है, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।